गाजीपुर के सैदपुर से खबर है, जहां खानपुर थाना क्षेत्र के निवादा गांव में रविवार को प्रमुख समाजसेवी राजेश्वर सिंह के हाथों मुख्य प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी राजेश्वरी सिंह के हाथ फीता काटते ही भारी संख्या में उमड़ी जनसमूह हर हर महादेव के जयकारों के साथ रघुवंश द्वार में प्रवेश किया। राजेश्वर सिंह ने बताया कि स्वर्गीय कबूतरा देवी की स्मृति में यह प्रवेश द्वार बनाया गया है। कबूतरा देवी की स्मृतियों को सहेजने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए इस प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। इतना ही कहते राजेश्वर सिंह की आंखों से आंसू झलक गया है। समृद्धशाली गांव निवादा में इस रघुवंश द्वार के निर्माण से सभी आगंतुकों को अतिथि और आदर का अनुभव होगा। गांव के मुख्य प्रवेश द्वार रघुवंश गेट का निर्माण केसरी प्रसाद सिंह ने कराया है। इस अवसर पर ठाकुर जी मंदिर में वार्षिक पूजन भजन आरती एवं बृहद भंडारा का आयोजन किया गया था। श्याम नारायण सिंह, मुकेश गेंदी, जितेंद्र सिंह, जय प्रताप, अखिलेश सिंह, मुकेश कुमार सिंह, सरोज सिंह, ज्ञान प्रकाश सिंह, उषा सिंह, रीता सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। क्योंकि हमारे पूर्वजों का गांव है और हमारी एक छोटी माई हैं जो अब नहीं रही, उनकी याद में हम लोगों ने एक गेट का निर्माण करवाया। और इस गेट से एक फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग का आवागमन बहुत आराम से हो पाएगा और गांव में जो असुविधाएं थी वो सब सुलझ जाएंगी। और उनकी याद में बहुत दिनों से हमारे मन में था कि मैं उनके लिए कुछ करूं, और ये छोटा सा एक कार्यक्रम जो भी हुआ है सभी गाँव वासियों के सहयोग से हुआ है और सबों ने हम लोगों का बहुत साथ दिया। जिला कौन सा पड़ेगा? मेरा नाम राजेश्वर सिंह है। यह गांव कौन सा है? ग्राम सभा निवादा है। यहाँ किस चीज़ का कार्य हो रहा है जी? यहाँ किस चीज़ का कार्य हो रहा है, आयोजन किस चीज़ का हो रहा है? आयोजन तो यहाँ पर एक मंदिर है ठाकुर बाबा का जी, उसी ठाकुर बाबा के मंदिर का जो है हर साल 20 तारीख को उसका एनुअल फंक्शन होता है, उसी में हम लोग 20 नवंबर को आए हुए हैं। और ये जो गेट है जी, यह गेट श्रीमती कबूतरा देवी की स्मृति में श्री केसरी प्रसाद सिंह ने बनवाया। और वो कबूतरा देवी बहुत अर्ली एज में बहुत हीरो हो गई थी और कोई बच्चे नहीं थे उन्हीं की स्मृति में कि उनका याद जब तक वो याद रहेगा निवादा में इधर से गुजरेगा वो उनको याद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।